हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त होगे गाइस। अभी तो बजे है कुछ शाम के 5 एंड काफी लोगों की मैंने कमेंट देखी कि भाई आप इंश्योरेंस कौन सा करवाते हो, क्योंकि हम होते हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग गाइस, तो हम लोग सभी चीज में पैसे तो डेफिनेटली देखते ही है। तो जब भी हम लोग इंश्योरेंस करवाने जाए तो उस टाइम पे भी आप लोगों को डेफिनेटली देखना चाहिए आपका बजट और ये सब कुछ भी पैसा। बट हाँ, इतना ज्यादा भी सेव ना करना कि थर्ड पार्टी आप लोग इंश्योरेंस लेके आ जाओ, क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं अदरवाइज आप लोग थर्ड पार्टी करवाते हो तो। और इसके बारे में हम लोग बात करते हैं अभी इस वीडियो में, क्योंकि काफी भाई के कमेंट आ रखे थे कि भाई हम लोग कंफ्यूजन में है कि हम लोगों को कौन सा लेना चाहिए इंश्योरेंस ये सब कुछ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो ही बना देते हैं, क्योंकि हमारे कोई भी सब्सक्राइबर मेंबर, जो भी हमारे जो फैमिली मेंबर है लाइक यूट्यूब फैमिली में, जो बिल्कुल भी ना फंसे इस सब चीज में। क्योंकि कुछ लोग होते हैं गाइस जो सालों साल नहीं करवाते हैं इंश्योरेंस, तो ये सब कुछ नहीं करना है गाइस। पैसे बचाने के चक्कर में आप लोगों का काफी बड़ा चालान भी हो जाएगा, एंड जब भी आपका नुकसान होगा कार का, ठुकेगी कार आपको नुकसान होगा, तो आपको तभी पता चलेगा कि इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपकी कार में एक दिन के लिए भी इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया ना, तो दूसरे दिन कार लेके मत निकलो, पहले इसका रिन्यू कराओ। बट हाँ, रिन्यू करवाने से पहले जो जो चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो आज हम लोग शेयर करेंगे, क्योंकि काफी लोग कुछ स्कैम में भी फंस जाते हैं, कुछ नॉलेज नहीं होता है तो काफी बड़े बड़े अमाउंट दे के भी आ जाते हैं, तो ये सब से हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से। जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है ना गाइस, वो एकदम क्या ही बताऊँ, फालतू सी चीज़ है। मैं बिल्कुल ही मना करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल भी इसके ऊपर सेव ना करें पैसे आपके, क्योंकि जब भी आप लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लोगे तो आपको तो क्लेम मिलेगा नहीं, सामने वाले पर्सन को मिल जाएगा क्लेम, वो तो आप लोगों को आइडिया है ही। बट जब भी आपकी कार ठुकेगी, कुछ डैमेज होगा लाइक बम्पर या डोर कुछ भी रिपेयर करवाओगे, तो आप लोगों को फुल्ली अमाउंट देनी पड़ती है या कुछ परसेंट आप लोगों को पे करना ही पड़ता है। और ये सब कुछ इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं है कंपेरेटिव जो हमारा फुल डेप्थ इंश्योरेंस है, लाइक जीरो डेप्थ हम लोग कहते हैं इसको। एंड जीरो डेप्थ इंश्योरेंस जब भी आप लोग करवाते हो तो इसके अंदर भी आप लोगों को काफी ज्यादा चुना लगता है कंपनी के द्वारा, लाइक कंपनी आप लोगों को काफी अच्छी अच्छी कंपनीज के नाम लेती है, लाइक आईसीआईसीआई और बड़ी बड़ी बैंक्स, वो लोग भी प्रोवाइड करते हैं अपना इंश्योरेंस। बट वो लोगों की सभी की कीमत लाइक प्राइजेस होती है वो काफी डिफरेंस होती है कंपेरेटिव HDFC, क्योंकि HDFC के साथ मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अभी तक मैंने क्लेम लिया नहीं है। बट हाँ, जब भी मेरे पास पहले वैगनर में यूज करता था उस टाइम पे मैंने HDFC से क्लेम लिया था, मेरा काम एक वीक में हो गया। वो कंपनी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी के इंश्योरेंस लेते हो, क्योंकि कुछ कंपनी तो महीनों महीनों तक भी कार रख लेती है अपनी, एंड वो जल्द से जल्द क्लेम होता ही नहीं है इंश्योरेंस, तो बंदा फंस जाता है उस टाइम पे। बट हाँ, जब भी मैंने इंश्योरेंस लिया तो मैंने काफी ज्यादा चीजों का ध्यान रखा, क्योंकि कंपनी वालों ने मेरे ऊपर काफी ज्यादा मेरे को लाइक ऑफर देने की कोशिश करी कि भाई आप लोग 5000 पे ज्यादा कर लो, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। बट थर्ड, जब भी आप लोग जीरो डेप्थ लेते हो इंश्योरेंस तो आप लोगों को सब कुछ ही मिल जाता है। मैंने जो लिया था HDFC का, उसका मैंने कुछ अराउंड पे किया था 17,000 समथिंग, और इसमें जीरो डेप्थ सब कुछ ही कवर हो जाता है, अपनी की से लेकर सब कुछ ही इसमें कवर हो जाता है। तो जब भी आप लोग जाओ तो जीरो डेप्थ ही लेना। एंड गाइस, हाँ, ICICI का मेरा वरना का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस बुरा रहा, क्योंकि इसका काफी ज्यादा एक्सपेंसिव मालूम नहीं, क्योंकि वो लोग नई कार ही दे देंगे हम लोगों को ठुकने के बाद। क्या है कि 35,000 रुपीस इंश्योरेंस का मेरे को इतना वर्थ नहीं लगता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो ले लेते हैं बट वो लोग फंस जाते हैं। बट मैं तो आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ HDFC का, और जो भी आप लोग लेना चाहते हो प्लान अपनी, स्पेशली वरना का मैं दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट इसके ऊपर डिस्प्ले पे आ रहा होगा, तो आप लोगों को भी कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आप लोगों को कौन सा पे करना, क्योंकि काफी भाइयों ने नई कार ली होगी, वो लोग कन्फ्यूजन हो गए, एक साल होने वाला होगा उसकी कार का, के भाई हम लोग फंसे हैं अभी क्या करें, कि लाइक हम लोगों को कौन सा लेना चाहिए। तो काफी लोग मेरे को कमेंट करते रहे, DM करते रहे, तो मैंने सोचा आज आप लोगों को बता दें। आप लोगों को मैं प्रूफ के साथ भी बताता हूँ कि मैंने कौन सा लिया था, कि आप लोग भी कंफ्यूजन में ना फंसे। तो मैं आप लोगों को एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर तो नहीं दिखा था फॉर ऑब्वियस रीजन, बट आप लोग देख लीजिए गाइस, हमने पे करी है कुछ पॉलिसी अराउंड 17,414 रुपीस। ये जीरो डेप्ट है, HDFC के थ्रू मैंने करवाया है, आप लोग देख लीजिए। एंड गाइस, लास्टली आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ कि जब भी आप लोग इंश्योरेंस लो तो मैंने ये 17,000 वाला 19,000 मेरे को कह रहे थे वो लोग, बट हाँ मैंने कुछ चीजें जो कम करवा दी, लाइक कार हमारी चोरी हो जाती है उस टाइम पे हम लोगों को वो कुछ एक्स शोरूम प्राइस की अमाउंट देते हैं, या फिर जितनी वैल्यू होती है उस टाइम पे उतने पेमेंट कर देते, वो सब कुछ काफी ज्यादा स्कैम है, क्योंकि आज तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। मेरे किसी भाई को कोई भी कांटेक्ट में है जो कि जिन्होंने किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया, कार चोरी हुई नहीं है, और देख लेंगे जब भी चोरी होगी और ये सब कुछ। बट हाँ, ये सब कुछ में भी बिल्कुल भी मत फंसना, क्योंकि कुछ देते नहीं है कंपनी वाले, आपको सिर्फ ललचाते रह जाएंगे। लाइक चोरी हो भी गई आपकी कार तो आपको बिल्कुल भी नहीं करेगा, लाइक आप लोगों को केस करना पड़ेगा, FIR करवानी पड़ेगी, फिर जाके 3-4 साल बाद आपको शायद से क्लेम मिले तो मिले, या फिर
ऊपर वाले के भरोसे ही छोड़ देना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ जीरो डेप्थ में ये सब कुछ दो तीन चीज है जो इंक्लूड ना करवाए, और जीरो डेप्थ में आप लोग सब कुछ ही कवर हो ही जाता है ऑलमोस्ट, तो क्या है पे करना एक्स्ट्रा। एंड गाइस हाँ, जब भी हमारी कार का साल बढ़ता जाता है तब से हमारी कार की वैल्यू डेप्रिसिएट होती जाती है। तो वो लोग क्या कहते हैं आप लोगों को, हम लोग आपकी कार की वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं। लाइक आपकी कार की मान लो फॉर एग्जाम्पल 11 लाख है अभी वैल्यू, तो हम आपकी कार की वैल्यू 13 लाख करके दे देंगे। तो आपको इतना पे करना पड़ेगा और अदरवाइज आपको जीरो, आपको फुली कवर करोगे। लाइक आपका एक्सीडेंट हो गया एक्चुअली, एंड आपने कुछ आपकी कार रिपेयर होने लायक है ही नहीं, आपको वैसे ही ख़त्म हो गई आपकी कार, तो आपको अमाउंट इतनी मिल जाएगी। ये सब कुछ नहीं है गाइस, स्कैम है ये पूरे पूरा। जो इतनी भी आपकी वैल्यू चल रही है कार की, इसके ऊपर ही इंश्योरेंस करो ताकि आपको, आप लोग बिल्कुल भी प्रॉब्लम में ना फंसे, क्योंकि काफ़ी लोग वैसे प्रॉब्लम में फंसते हैं। इस चीज़ से मैंने सोचा कि आज हम लोग अपने फैमिली मेम्बर के साथ बात कर ही लेते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम में ना फंसे, क्योंकि कंपनी वाले इतने ज़्यादा खतरनाक शैतानी करते हैं अपने साथ के। लाइक हम लोगों को इतना ज़्यादा स्कैम करने की कोशिश करते हैं कि लोग फर्स्ट भी जाते हैं ऐसे ट्रैप में, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग, मैंने देखा है कि मेरे फैमिली में भी काफ़ी लोगों ने ऐसे फंसे हुए हैं सब चीज़ों से। तो मैंने एक्सपीरियंस भी करा है, लाइक सुना भी है किसी से कि भाई हमने इतना पे कर दिया और इतना कुछ मिला नहीं और ये सब कुछ, तो होता है ये सब कुछ भी। तो हाँ, जब भी वो लोग बोले आपकी वैल्यू बढ़ा देंगे हम लोग, लाइक इंक्रीज कर देंगे कार की, तो ये सब में मत पड़ना, जितनी भी है इतनी में ही हमको करवा के दो, ताकि हम लोगों को जो भी है वो भी पे करेंगे, जो भी अमाउंट आ रही है वो ही पे करेंगे, एंड जितनी अमाउंट है हम लोग पे करने के लिए रेडी है। अदरवाइज ये इंक्रीज करने की वैल्यू डिक्रीज करने की क्या ही, ये कुछ फेक सब कुछ होता है गाइस। तो ये सब में तो बिल्कुल भी ना पड़े, ताकि आप लोग बिल्कुल भी ना फंसे कुछ टाइम में। लाइक एक्सीडेंट हो गया उस टाइम पे आप लोगों को क्लेम में भी काफ़ी भारी पड़ सकता है। तो ये सब कुछ है गाइस, छोटी मोटी दो तीन चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, तो आप लोग बिल्कुल भी कुछ स्कैम में ना फंसे। तो पॉलिसी लेने से पहले ये सब कुछ चीज़ जान ले, एंड गाइस जब जहाँ से आपने कार ली है वहाँ से ही पॉलिसी ले आप लोग, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी वो ना लगे कि हाँ हम लोगों ने दूसरी, क्योंकि आप लोगों को दूसरे शोरूम वाले भी कॉल करते हैं मेरे ऊपर। लाइक मैंने ली थी सूरत से कार एंड अहमदाबाद, और जब भी जगह से भी मेरे को कॉल आते हैं कि भाई हम लोगों को, हम लोग आपको इतने में करवा देंगे आपका इंश्योरेंस ये सब कुछ, बट ये सब कुछ नहीं पड़ना, जहाँ से आपने ली वहाँ से करवाओ, 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा जाए तो जाए, बट जहाँ से ली वहाँ से करवाओ। तो अदरवाइज आप लोगों को क्लेम करना हो कुछ हो तो आप लोग बिल्कुल भी प्रॉब्लम में ना आए, एंड आप लोग वो लोगों के ऊपर चढ़ सके कि लाइक हाँ हमने यहाँ से ली, हमने यहाँ से करवाया, तो हमको करके दो ये सब कुछ सॉल्व, तो वो आप लोग, आपके हाथ में रहता है ये सब कुछ करना। गाइस अभी तो मैं गया था कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि कल हम लोग निकल रहे हैं फैमिली के साथ छोटी सी रोड ट्रिप पे, क्योंकि वो कहाँ जाएंगे हम लोग वो तो आप लोगों को डेफिनेटली दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा इसका आने वाला जो भी पार्ट है वो, क्योंकि छोटी सी रहने वाली है, कुछ अराउंड 300-400 किलोमीटर की अपनी रोड ट्रिप होने वाली है विद फैमिली, लाइक मम्मी पापा और सभी लोग हम लोग जाएंगे, और कुछ काम है वहाँ वो भी निपटाएंगे, तो ये सब कारण हम लोग निकल रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो, एंड कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड कुछ हेल्प हुई होगी आप लोगों को, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग कार्स और इंश्योरेंस के बारे में भी तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, तो मैं आप लोगों को वैसे आंसर दे ही दूंगा कमेंट सेक्शन में, या फिर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मैं आप लोगों को डेफिनेटली आंसर देने की कोशिश करूँगा। और देखिएगा इस एक्सीडेंट का कारण यही काफ़ी ज़्यादा है, यही कर सकते हैं, बट हर एक इंडिया के कोने कोने में जाओ आप लोगों को ऐसे प्रॉब्लम होते ही है। लाइक से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट का माहौल बनता है हाईवे पे स्पेशली, क्योंकि ओवर स्पीडिंग होती तो डेफिनेटली ठुकता है, मैं भी आज बचा अभी तो, बट कोई नहीं। आप लोगों को वैसे पसंद आया होगा ये वीडियो, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, एंड हाँ गाइस आने वाले टाइम में काफ़ी क्रेजी कॉन्टेंट आने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अभी तो मेरे को घर पर जाके कार भी वॉश करनी है, क्योंकि ट्रिप पर जाएंगे तो ऐसी गंदी कार लेके तो मेरे को जाने का पसंद ही नहीं, क्योंकि गंदी कार चलाने का कुछ मज़ा ही नहीं आता ना, जब भी हम लोग फ्रेश कुछ काम अच्छा करने के लिए निकले तो मैंने सोचा कि वॉश कर ही देते हैं, ताकि मज़ा भी आए, कार भी क्लीन रहे एंड अच्छी लगे भी, तो चलाने में भी मजा आए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।